हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है, दिस इज लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स और हम कर रहे हैं काशी सीरीज। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो लेक्चर है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसलिए इसे इस तरह से कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है जो आज हम कवर करेंगे, इट इज मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। इसको समझने के लिए आप टर्म को ही डिवाइड कर लो। यहां पर आपको मॉलिक्यूलैरिटी को अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड करती हूँ तो मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा है ना, यानी कि यहाँ पर हम किसकी बात करने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करने वाले हैं। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे ताकि केमिकल रिएक्शन हो जाए। समझिएगा, मान लो मैं आपको बोल रही हूँ ए टू प्लस बी टू गिव्स 2AB, ये मेरी एक केमिकल रिएक्शन है। यहां पर अगर मैं आपको स्टूडेंट्स एक चीज बोलती हूँ, अगर मैं A2 को ड्रॉ करके दिखाऊं, मान लीजिए ये मेरा क्या है, A2 मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, और ये मेरा क्या है, B2 मॉलिक्यूल है, ये मेरा AA A2 बना रहा है और ये मेरा BB एटम B2 बना रहा है। दिस इज दिस एंड दिस इज दिस। मैं बोलती हूँ जब ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, यानी कि ये वाला एटम इस वाले एटम से कोलाइड करेगा। कोलाइड करने का मतलब क्या होता है, भिड़ना, ठीक है, या टकराना, ठीक है। आप ये देखो, ये वाला जब ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल, ध्यान से समझेगा जो मैं आपको चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल इस पूरे के पूरे B2 मॉलिक्यूल से जब कोलाइड करेगा, ये वाला A इस B से, नीचे वाला A इस B से कोलाइड करेगा, तो क्या बन जाएगा, हमारे पास जो स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑब्टेन होगा वो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा। किस प्रकार का स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा, ध्यान से देखो, इन ए और ए में बॉन्ड टूटेगा और इस ए और बी में बॉन्ड बनेगा, और इसी ए और बी में बॉन्ड बनेगा, ये ए और बी ने बॉन्ड बना लिया और इस ए और बी ने बॉन्ड बना लिया। समझ रहे हो, रिएक्टेंट ए टू था जो ए ए के बीच में बॉन्ड टूटा और उस ए ने दूसरे वाले मॉलिक्यूल के बी एटम के साथ बॉन्ड बना लिया। तो यहां पर इन्होंने बॉन्ड किस प्रकार से बनाया, इन्होंने कोलिजन करी, ये वाला ए मॉलिक्यूल जो है इस बी मॉलिक्यूल के साथ टकराया, ठीक है, जिसके कारण इसका ए ए के साथ बॉन्ड टूटा और ए बी के साथ बॉन्ड बन गया। तो यहां पर हमें दो इस प्रकार के मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, जिसको मैं क्या सीधा लिख देती हूँ, टू ए बी, दो ए बी, ए बी बन के ना इस कारण। तो मॉलिक्यूलैरिटी की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन आपको नोट डाउन करवाती हूँ स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स which must collide, collide का मतलब होता है एक दूसरे से भिड़ना, एक दूसरे से टकराना, to carry out a chemical reaction, भी कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से भिड़ते हैं ताकि एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करे। तो मैंने आपको ये कोलिजन सिखा दी, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी इस एटम की, तो आप किसको देखोगे, आप उसके कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं उसको देखोगे। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको मैं बोलूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ 1A प्लस 1B, ये मेरे रिएक्टेंट हैं, ये मेरे को देते हैं प्रोडक्ट P, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एक ए है और एक ही बी है, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो यहां पर उसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। मान लो इसके आगे टू लगा हुआ है, इसके आगे थ्री लगा हुआ है, तो यानी कि तीन ए एक बी के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलैरिटी फोर हो जाएगी। समझ रहे हो, इस तरह से हम मॉलिक्यूलैरिटी को डिफाइन करते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आती है मॉलिक्यूलैरिटी, क्या मॉलिक्यूलैरिटी कभी जीरो हो सकती है, बताओ। मॉलिक्यूलैरिटी अगर जीरो होगी उसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं या कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, यानी कि ये हमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के नंबर को बताएगा भी कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स वहां पर प्रेजेंट है, ये हमें उसको डिफाइन करता है। अगर मैं कहूं मॉलिक्यूलैरिटी जीरो है, इसका मतलब वहां पे जीरो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब वहां पे जीरो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब रिएक्शन ही नहीं होगी अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। सो मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी जीरो,
इट कैन नेवर बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। जीरो क्यों नहीं हो सकती? जीरो होगी तो केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगी। मॉलिक्युलैरिटी का मतलब होता है कितने रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मिनिमम एक रिएक्टेड मॉलिक्यूल तो आपको चाहिए। अब आप कहोगे तो मैम एक रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स किससे कोलाइड करेगा? कोलिजन के लिए, एक दूसरे को टकराने के लिए दो मॉलिक्यूल्स की तो जरूरत है, एक मॉलिक्यूल खुद के साथ कैसे कोलिजन शो कर देगा? तो वो भी एक्सप्लेन करती हूँ आपको। होपफुली ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि मॉलिक्युलैरिटी कभी भी जीरो नहीं होती। अब मैंने आपको बोला भी मॉलिक्युलैरिटी वन, कैन मॉलिक्युलैरिटी भी वन? मॉलिक्युलैरिटी क्या वन हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। एक एग्जाम्पल देखिए आपको ये उससे समझ आएगा। आयनिक केसेस के अंदर मॉलिक्यूलैरिटी वन हो सकती है, आयनिक रिएक्शंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल वन NH4NO2 है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट हमें देता है N2+H2O, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसको पहले बैलेंस करोगे आप इक्वेशन को हमेशा ध्यान रख के। यहाँ पर देखो एक ही ये वाला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, आपको कि मैम ये किसके साथ कोलाइड करेगा? तो आप ध्यान से देखिए, ये आयनिक रिएक्टेंट है, इसके अंदर दो तरह के आयन्स है, NH4 पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव। हमें दो तरह के यहाँ पर आयन्स देखने को मिल रहे हैं। ये दो तरह के आयन्स क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ इंट्रा मॉलिक्यूलर कोलिजन करेंगे। ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? भिड़ेंगे अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल के। जो आपने प्रीवियस रिएक्शंस देखी थी A2+B2 की, उसमें क्या होता था? ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन कर रहा था, दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से भिड़ रहे थे। ये लेकिन यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर उसके आयन्स एक दूसरे से टकराएंगे ताकि वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो सके। सो मॉलिक्युलैरिटी कैन बी वन, कैन बी टू, कैन बी थ्री, लेकिन थ्री से ज्यादा मॉलिक्युलैरिटी बहुत रेयर देखी जाती है। मोर देन थ्री रेयर केस है, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया मॉलिक्युलैरिटी, मॉलिक्युलैरिटी कैन नेवर बी जीरो, मॉलिक्युलैरिटी कैन बी वन टू थ्री फोर, ऐसे करके, ठीक है। थ्री से ज्यादा वाले रेयर केसेस हैं। क्या मॉलिक्युलैरिटी फ्रैक्शन हो सकती है? नो फ्रैक्शन ना, क्या आधा मॉलिक्यूल कभी कोलाइड करेगा? नहीं ना। सो मॉलिक्युलैरिटी कैन नेवर बी जीरो नॉर फ्रैक्शनल, ना तो कभी जीरो होगा ना ही कभी फ्रैक्शनल होगा। एक और की पॉइंट है, अगर आपको एलिमेंट्री रिएक्शन दे दिया जाता है, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, उस केस में जो आपकी मॉलिक्युलैरिटी होगी वो किसके इक्वल होगी? वो ऑर्डर के इक्वल होगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपको मेंशन होता है पेपर में एलिमेंट्री रिएक्शन, तो वहां पर आपकी मॉलिक्युलैरिटी किसके इक्वल हो जाएगी? ऑर्डर के इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स, ठीक है। एक और चीज इसमें ऐड कीजिएगा, मॉलिक्युलैरिटी थ्योरेटिकल वैल्यू है, मॉलिक्युलैरिटी को आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहां पे आपको बता दूं ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज। ऑर्डर होता था जब हम रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं, मान लो ये मेरी रेट लॉ इक्वेशन है, तो इसके जो कंसेंट्रेशन के ऊपर पावर्स हैं इनके सम को ऑर्डर कहते थे। और मॉलिक्युलैरिटी क्या होती है? कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कितने ए कितने बी एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। तो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्युलैरिटी ऑर्डर के इक्वल होगी, वैसे वो ऑर्डर के इक्वल नहीं होती, ठीक है जी। और ये क्या होती है? एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, मतलब एक्सपेरिमेंटली हम मॉलिक्युलैरिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है इस चैप्टर का जिसे हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। अब देखिए हेडिंग डालेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट करूंगी। आपको कई बुक्स में एंडोथर्मिक ग्राफ दे रखा होगा, कई में एक्सोथर्मिक दे रखा होगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैम उस बुक में तो ये वाला ग्राफ दे रखा है, ठीक है जी। तो देखिए ध्यान से इसको समझेंगे हम, ये मेरा जो ग्राफ है ये एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। यहां पर मैं आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी ग्राफ डायग्राम शो कर रही हूँ एक्टिवेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ध्यान से स्टूडेंट्स इस चीज को आप समझोगे, ये मेरे रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये मेरे प्रोडक्ट की एनर्जी है। दिस इज माई ER एनर्जी फॉर रिएक्टेंट एंड दिस इज माई एनर्जी फॉर प्रोडक्ट। अब मैं आपको यहाँ पे ध्यान से बता रही हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ताकि ये जो रिएक्टेंट को हमें देनी पड़े,
ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके। समझेगा, पहले मैं डेफिनेशन नोट करवाती हूँ फिर मतलब समझाऊंगी। द एक्स्ट्रा एनर्जी, द एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट दे कैन रीच द थ्रेशोल्ड बैरियर, एंड लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ, लीड्स टू फॉर्मेशन भी लिख सकते हो ऑफ प्रोडक्ट। अब मैं आपको समझाती हूँ विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ये होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है ऐसी एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम किसको देते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को। ये मेरे रिएक्टेंट की एनर्जी है, इसको मैं और कितनी एनर्जी दूं ताकि ये जो है इस एनर्जी बैरियर को, ये जो पीक है इसको क्रॉस कर जाए और ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दे। मतलब इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को और कितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी भी ये इस पीक को क्रॉस कर जाए। इस पीक को एनर्जी बैरियर बोलते हैं, थ्रेशोल्ड बैरियर बोलते हैं। इस थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस कर जाए ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या हुआ, द एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट दे कैन रीच द थ्रेशोल्ड बैरियर, ताकि वो यहां तक पहुंच जाए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और किसकी प्रोडक्शन हो जाए, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, अब यहां पर देखो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें किसको देनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा एनर्जी हमें किसको देनी पड़ेगी, रिएक्टेंट को देनी पड़ेगी ताकि वो इस थ्रेशोल्ड बैरियर को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। मतलब मुझे इस रिएक्टेंट को एक्स्ट्रा एनर्जी तो देनी पड़ेगी ताकि वो थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस कर जाए, तो वो क्या होगी, मेरी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ठीक है जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है ये पूरी वाली। ठीक है, दिस इज माय थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये मेरा क्या होता है, थ्रेशोल्ड बैरियर होता है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो हम इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देते हैं ताकि ये हमारे किसको, जो थ्रेशोल्ड बैरियर है उसको क्रॉस कर जाए और किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये तो समझ आ गया आपको एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, जब भी एक्टिवेशन एनर्जी हो, मतलब जब भी कोई रिएक्शन अक्कर करती है तो वहां पर क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकेज होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। बॉन्ड टूटेगा तभी तो बॉन्ड बनेगा। अभी मॉलिक्यूलैरिटी में भी यही तो किया था, ए टू जब बी टू के साथ रिएक्ट करता है टू ए भी बनता है, यानी कि इस ए टू के अंदर एक ए दूसरे ए का बॉन्ड टूटेगा, ऐसे ही बी और बी के बीच का बॉन्ड टूटेगा और इन दोनों का बॉन्ड बनेगा, यानी कि ए बी बनेगा और ए बी बनेगा। तो यहां पर बॉन्ड ब्रेकेज और हमें बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस पता चल रहा है ना। अब आप यही चीज को लिखेंगे, एक चीज और मेंशन करेंगे सबसे पहले स्टार लगा के, डियर स्टूडेंट्स एट रूम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट रीच एट द थ्रेशोल्ड बैरियर, at the threshold barrier, so some extra energy is required for them to reach the threshold barrier. This is activation energy. देखो वो यही चीज हमें एक्सप्लेन कर रहा है, अभी एक्टिवेशन एनर्जी की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। एक्टिवेशन एनर्जी की हमें इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि जो रूम टेम्परेचर होता है उस रूम टेम्परेचर पे हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उस थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी ताकि वो थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस कर सके, इसलिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अभी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज जो होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन अगर करती है, वो कहाँ पर बॉन्ड ब्रेकेज या बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, थ्रेशोल्ड बैरियर पर बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन अगर होगी। ध्यान रखिएगा, थ्रेशोल्ड बैरियर पर क्या होती है, बॉन्ड की ब्रेकेज होती है और बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है।
ठीक है, तभी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है। अब हम स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट, रेट का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, सॉरी टेम्परेचर का रेट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट इक्वेशन। किसकी हेल्प से इसको करने वाले हैं, विद द हेल्प ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन वाले हैं टेम्परेचर का इफेक्ट देखने वाले हैं रेट पे। तो आपको स्टूडेंट्स पता है रेट जो होता है किसके इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, मानते हो। अब अगर मैं कहूं भी यहां से रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है, के बढ़ रहा है, तो रेट भी बढ़ेगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेट कांस्टेंट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आर्हेनियस इक्वेशन की हेल्प से के का रोल आप निकालेंगे, रेट कांस्टेंट की डिपेंडेंस देखेंगे टेम्परेचर पे, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। तो उसी को हम डिराइव करने वाले हैं, हमें पता है हमारे पास ये फॉर्मूला है, रेट इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, हमें पता है के बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। अब हम के की डिपेंडेंस देखेंगे टेम्परेचर पे, ताकि हम क्या निकाल सकें, इफेक्ट टेम्परेचर का निकाल सकें रेट पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम के की डिपेंडेंस चेक करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन लिख के, आर्हेनियस इक्वेशन स्टूडेंट्स में लिखने वाले हूँ, आप सभी से नोट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये मेरी क्या है, आर्हेनियस इक्वेशन है। हाँ जी स्टूडेंट्स, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू ए इंटू डॉट लगा दिया मैंने ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। यहां पर मैं लिख देती हूँ पहले सारी चीजें क्या क्या हैं, के है मेरा रेट कांस्टेंट, ठीक है जी, ए मेरा होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ए को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं, या फिर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ई क्या होता है, ई एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल से पहला है, पहले प्रेजेंट है, इसलिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, और इसे आर्हेनियस कांस्टेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, और इसे आर्हेनियस कांस्टेंट भी कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है जी। के पता चल गया रेट कांस्टेंट होता है, ए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इसके और भी नाम है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्योंकि एक्सपोनेंशियल ई से पहले आ गया, और इसे आर्हेनियस कांस्टेंट भी कहा जा सकता है। ईए क्या होता है, ईए होता है एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि ऐसी एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देनी पड़ती है ताकि वो थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस कर जाए। आर आपको पता है ये गैस कांस्टेंट होता है, और टी क्या होता है, टेम्परेचर। अब कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा, हमारी ये इक्वेशन है के इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये आर्हेनियस इक्वेशन है। अगर मैं बोलूं व्हेन टेम्परेचर इज टी वन, When temperature is T1, तो मेरा रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K1, और जब टेम्परेचर मेरा क्या है, T2 है, तो मेरा रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा, इतना मानते हो। अब क्या लिखोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे लॉग लोगे तो क्या आएगा, देखो ln K इज इक्वल्स टू ln, यहाँ पे क्या था, पहले इसको सारे को ब्रैकेट में लिख देते हैं, a इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। अब इसको खोल के लिखेंगे तो क्या आएगा, ln k इज इक्वल्स टू ln a प्लस ln e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। मैंने यहाँ इनके बीच में प्लस क्यों लिखा, स्टूडेंट्स आपको जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई में दे रखी होती है इसका मतलब प्लस होता है। अगर मान लो यहाँ पर क्या होता है, ये डिवाइड में दे रखा होता है, a डिवाइडेड बाय e होता, तो इनके बीच में माइनस का साइन आता है, ये बेसिक मैथमेटिक्स होती है। जब लॉग के बीच में हम ऐसे कह देते हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं इसको, हाँ जी आपने देखा होगा ना, जब ln a, ठीक है, इंटू ln b है, इसको क्या लिखेंगे, ln a प्लस b। अगर ln a डिवाइडेड बाय ln b है तो उसको क्या लिखेंगे, ln a माइनस ln b। तो ये वही चीज मैंने की है, इनके बीच में क्या साइन है, ये प्लस का साइन है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, आपको एक चीज बता देती हूँ, इसको जब हम लॉगरिथम लेंगे तो क्या आएगा, ln k इज इक्वल्स टू ln a प्लस,
अब मेरे को खुद सोच के बताओ, एल एन ई क्या होता है? अगर आपने पढ़ा हो, ये छोटी सी चीजें अगर आपको नहीं पता तो पता होनी चाहिए, ठीक है? ये डेरिवेशन है इसलिए बता रही हूँ। एल एन ई वन होता है, एल एन ई किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल होता है। तो जब हम इसका लॉगरिथम करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस ई ए बाय आर टी आगे आ जाएगा इंटू एल एन ई। जब इसका लॉगरिथम करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, और एल एन ई की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो यहां से इक्वेशन क्या आएगी, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी, क्योंकि एल एन ई क्या हो गया, वन हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? इतना होपफुली आपको इतना क्लियर होगा। सो ये हमारी सबसे पहली इक्वेशन आ गई जो बहुत हमारी हेल्प करने वाली है। इसको आप स्क्वायर में डाल लीजिएगा, ठीक है? अब आगे देखिए, अब आगे देखिए। अब मैंने आपको बोला था व्हेन टेम्परेचर इज, जब टेम्परेचर सॉरी जब टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट K1 है, जब टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट K2 है। तो जो हमने अभी फॉर्मूला निकाला, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी, इस फॉर्मूला के अंदर इस चीज को अगर हम इक्वेट करते हैं तो दो इक्वेशन बना सकते हैं, एल एन के वन इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी वन। जब टेम्परेचर मेरा टी वन होता है तो रेट कॉन्स्टेंट के वन होता है, तो ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। ऐसे ही जब मेरा टेम्परेचर टी टू होता है तो रेट कॉन्स्टेंट के टू होता है, तो मेरी सेकेंड इक्वेशन यहां से ये आ गई। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन, सॉरी सब्सट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू कर दो, वन को टू में से सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो वन को टू में से, ठीक है? तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, ध्यान से देखो, मैं माइनस करने लगी हूं, एल एन के टू माइनस एल एन के वन इज इक्वल्स टू एल एन ए माइनस एल एन ए। अब इसका आप क्या कर देंगे, देखो जब माइनस का साइन है ध्यान से देखना, माइनस ई ए बाय आर टी टू माइनस माइनस ई ए बाय आर टी वन, यही होगा। अब यहां से ये कट गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से क्या आएगा, एल एन के टू। अब ये माइनस है, मैंने बोला था माइनस हो जाएगा तो उसको डिवाइड में लिख सकते हैं, अभी बता के हटी हूं, अगर प्लस का साइन है मतलब वो मल्टीप्लाई में है, माइनस का साइन है तो वो डिवाइड में है। यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास आएगा माइनस ई ए बाय आर टी टू प्लस ई ए बाय आर टी वन। अगर मैं माइनस ई ए बाय आर को कॉमन ले लेती हूँ, ये एक काम करते हैं, माइनस को नहीं कॉमन लेते, सिंपल ई ए बाय आर को कॉमन लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा, माइनस वन बाय टी टू प्लस वन बाय टी वन। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो क्या आएगा, एल एन के टू बाय के वन इज इक्वल्स टू ई ए बाय आर वन बाय टी वन माइनस वन बाय टी टू, आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, एल एन को लॉगरिथम की टर्म्स में लिख सकते हैं, क्या आएगा, 2.303 लॉग टू द बेस 10 के टू बाय के वन इज इक्वल्स टू, यहां से क्या आ जाएगा, ई ए बाय आर वन बाय टी वन माइनस वन बाय टी टू, यही आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 2.303 को वहां नीचे लेके जा सकते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, लॉग टू द बेस 10 के टू बाय के वन इज इक्वल्स टू ई ए बाय 2.303 आर वन बाय टी वन माइनस वन बाय टी टू। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन स्टूडेंट्स, जो कि हमें हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। आपको इस इक्वेशन को याद रखना है, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर है? आपको क्वेश्चन पेपर में एक्टिवेशन एनर्जी दे दी जाएगी, रेट कांस्टेंट दे दिया जाएगा, जब टेम्परेचर मतलब दो इक्वेशंस दी जाएंगी भी, टेम्परेचर इतना है तो रेट कांस्टेंट इतना है, जब टेम्परेचर इतना है तो रेट कांस्टेंट कितना है। तो आपने ध्यान रखना और इस फॉर्मूला को इक्वेट करना है। ये हमने क्या निकाल ली, टेम्परेचर की डिपेंडेंस निकाल ली। किसकी डिपेंडेंस निकाल ली, टेम्परेचर की। अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं ग्राफ रिलेटेड टू आर्हेनियस इक्वेशन पे। अब हम देखने लगे हैं ग्राफ रिलेटेड टू आर्हेनियस इक्वेशन। हमारी इक्वेशन क्या है, के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, इसी से तो सब डिराइव किया है मैंने। जब इसको क्या किया, मैंने इसको लॉगरिथम लिया, तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस एल एन ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, यही आ गया था। मैंने बोला था एल एन ई की वैल्यू वन होती है, यहां से इक्वेशन आई थी एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी, ये इक्वेशन हमने डिराइव कर ली थी। अगर मैं इस एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर दूं तो क्या आएगा, 2.303 लॉग टू द बेस 10 के इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग टू द बेस 10 ए माइनस ई ए बाय आर टी, यही होगा। ठीक है, अगर मैं इन सबको 2.303 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय
2.303। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ से मेरे पास आएगा log k इज इक्वल्स टू, log k इज इक्वल्स टू log a माइनस ea बाय, सारे को डिवाइड कर रही हूँ ना, तो इसके नीचे 2.303 r आ जाएगा इंटू 1/t को ऐसे लिख देते हैं खोलकर, सारे को डिवाइड किए तो ध्यान से देखो, जब सारे को डिवाइड करूंगी ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और इसके नीचे भी तो आएगा 2.303 ea बाय rt के नीचे, इसीलिए इसके साथ 2.303 लिख दिया। तो यहाँ पर जब स्टूडेंट्स में ग्राफ प्लॉट करती हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर यहां मैं इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करती हूं तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स, यही होगा ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारी स्लोप क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। y एक्सिस पे क्या आएगा, y एक्सिस पे आएगा log k, x एक्सिस पे क्या आएगा 1/t, इंटरसेप्ट कितनी है, c कितनी है, log a, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, log a, माइनस का साइन है मतलब नेगेटिव स्लोप है, नीचे की तरफ आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू कितनी है, ea by 2.303 r। सो ये मेरा ग्राफ प्लॉट हो जाता है रिलेटेड टू आर्हेनियस इक्वेशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब इसके अंदर एक और चीज आपको बता देती हूँ, एक आपको चीज के बारे में पता होना चाहिए, विच इज नोन एज बोल्ट्जमैन फैक्टर। बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, बोल्ट्जमैन फैक्टर होता है e की पावर माइनस ea by rt, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर, जो कि हमें आर्हेनियस इक्वेशन में देखने को मिलता है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स देखिए, इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ मतलब इफेक्ट टेम्परेचर का और रेट ऑफ रिएक्शन आपको मैं बता रही थी, तो हमने आर्हेनियस इक्वेशन से एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, राइट। अब एक आपको और चीज बता देती हूँ, जो कि एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन ये कहती है, बी एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जब भी 10 डिग्री राइज होगा टेम्परेचर के अंदर, तो जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है, भी जब भी 10 डिग्री राइज टेम्परेचर में होगा रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से इसी इक्वेशन, इसी मतलब लाइन से एक इक्वेशन बनाई गई है जिसे बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये सारी थोड़ी थ्योरेटिकल पोर्शन वाला टॉपिक है, मतलब सिर्फ एक डेरिवेशन आपको करवाई गई है, बाकी सारा थ्योरी वाला पोर्शन है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको दो बार रीड करोगे समझ आ जाएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, जब 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर होता है, यानी कि टी प्लस 10 डिवाइडेड बाय जो पहले टेम्परेचर था, टी डिग्री मतलब जो पहले था, ठीक है, तो फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। फाइनल क्या होगा, भी 10 डिग्री राइज हो गया टेम्परेचर में डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कोफिशिएंट। ऐसे अगर इसको इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट को रेट कांस्टेंट की टर्म्स में लिखूं, तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू टी प्लस 10। जब टेम्परेचर में 10 डिग्री राइज टेम्परेचर में हुआ, तो फाइनल हमारा रेट कितना होगा, के इंटू ये वाला डिवाइडेड बाय इनिशियल वाला, यानी कि के टी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या है, स्मॉल टी लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, भी हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर में के डबल होता है। हमने यहाँ से टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल लिया, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है फाइनल टेम्परेचर बाय इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर मतलब 10 डिग्री राइज कितना हुआ टेम्परेचर में, ठीक है, यानी कि इनिशियल में 10 जोड़ दो डिवाइडेड बाय जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये तो हमारा क्या हो जाता है, बोल्ट्जमैन फैक्टर। यहीं पर हमारी जो हम कहते हैं भी आर्हेनियस इक्वेशन वाला टॉपिक जो था, एक्टिवेशन एनर्जी वाला टॉपिक था, वो फिनिश होता है। एक छोटी सी टर्म आती है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी हालांकि मैंने आपको इन्हीं के अंदर, जब मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी एक्सप्लेन करी, तो इसके अंदर ही मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। यहां पर देखिए कोलिजन थ्योरी भी वही चीज है, अभी मैंने आपको बताया था भी ए ए क्या करते हैं, बी बी के साथ कंबाइन करके ए बी बना देते हैं, वही है इसके अंदर। बस हम कोलिजन थ्योरी में देखते हैं भी दो मैनर्स होते हैं कोलिजन करवाने के, दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले तो आप हम दो कंडीशंस को लिखेगा, टू कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कोलिजन। पहला होता है जब भी कोई कोलिजन आपने करवानी है तो आपके पास सफिशियंट एनर्जी होनी चाहिए, दूसरा उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, तो आपकी कोलिजन हो जाएगी। अब देखिए दो तरह से आप कोलिजन करवा सकते हो। सबसे पहली तरीका ये था, ये A2 है
ये बी टू है, आपने इसको इस तरह से कोलिजन करवाया, भी ये ए इस बी से टकराएगा, ये ए इस बी से टकराएगा, तो यहाँ पे हमारे पास दो बनेंगे ए बी ए बी। यहां पर क्या हुआ, बॉन्ड की ब्रेकेज हुई ए ए और बी बी के बीच में, और यहां पर ए बी में बॉन्ड बना। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है आप ए ए को कुछ इस प्रकार से ले लो और बीबी को इस प्रकार से ले लो हॉरिजॉन्टली, तो जब आप इनकी कोलिजन करवाओगे तो सिर्फ एक ही ए मॉलिक्यूल दूसरे बी मॉलिक्यूल से क्या करेगा, टकराएगा। सो ये जो मैनर होता है ये मोर इफेक्टिव मैनर होता है, ये जो मैनर होता है ये लेस इफेक्टिव मैनर होता है। तो कोलिजन तो आपको मैंने ऑलरेडी बताई थी, अभी टकराना दो तरह से आप टकरवा सकते हो, अगर आप ऐसे टकरवाते हो तो ये मोर इफेक्टिव मैनर होता है, वैसे टकरवाओगे हॉरिजॉन्टली टकरवाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, लेस इफेक्टिव मैनर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही एटम क्या करेगा दूसरे एटम से टकर मतलब टकराएगा, जिसके कारण कोलिजन क्या हो जाएगी, लेस इफेक्टिव हो जाएगी। सो अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको शायद आपने देखा होगा बुक्स के अंदर, आपको देखने को मिला होगा, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक जिसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होती है नकली रिएक्शन, यानी कि जहां पर आपको ऑर्डर लग तो कुछ और रहा है लेकिन एक्चुअल में कुछ और होता है। इसको समझाने के लिए एक और चीज बताती हूँ, स्यूडो का मतलब होता है नकली। नकली मान लो मैं आपको बोलती हूँ स्यूडो हैप्पीनेस, आप मेरे सामने तो स्माइल कर रहे हो पर वो फेक स्माइल है, वो नकली स्माइल है, मतलब जो मुझे दिख रहा है वो एक्चुअल में वो नहीं है। इसी को केमिस्ट्री में अगर मैं बोलूं तो स्यूडो ऑर्डर का मतलब जो ऑर्डर मुझे दिख रहा है रिएक्शन को देखकर, एक्चुअल में वो ऑर्डर नहीं आता, वो होती है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इसके अंदर हमने दो एग्जाम्पल स्टडी करने हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और दूसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के अंदर देखिए RCOOOR- ये मेरा क्या है, एस्टर है। जब मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक, मैं उसमें मतलब एसिडिक की प्रेजेंस में इसकी करवाती हूँ, एसिडिक कैटलिस्ट मैंने लिया H पॉजिटिव, इसकी प्रेजेंस में क्या हो रही है, हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो यहाँ पर क्या बनते हैं, मेरे पास दो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, एक मेरा बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बनता है एल्कोहल। यहां से मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा RCOOH बनेगा और R-OH बनेगा। दिस इज माई एसिड एंड दिस इज माई एल्कोहल, ये यहां से मेरे दो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। अगर मैं यहां से क्या लिखती हूँ, रेट लो लिखती हूँ, तो क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू रेट कॉन्स्टेंट के इंटू रिएक्टेंट लिखूंगी, रिएक्टेंट क्या है, एस्टर है और दूसरा रिएक्टेंट क्या है, वॉटर है। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स ध्यान से इस चीज को आप समझोगे। मान लो मैं आपको बोलती हूँ देखो हाइड्रोलिसिस के दौरान भी पता क्या होता है, हाइड्रोलिसिस के दौरान भी जब आपने ये रेट इक्वेशन लिखी, इसके आगे ऊपर भी वन आ गया, इसके ऊपर भी वन, क्योंकि ये क्या है, एक एक है। एलिमेंट्री रिएक्शन देखो तो जो इसके आगे नंबर होता है वही उसका ऑर्डर हो जाएगा, तो इसका टोटल ऑर्डर कितना आपको दिख रहा है, दिख तो आपको दो रहा है लेकिन एक्चुअल में दो नहीं होता। क्यों, क्योंकि देखो एस्टर जो है मान लो वो 0.001 प्रेजेंट है और वाटर एक्सेस में प्रेजेंट है मान लो 10 मोल्स प्रेजेंट है। जब रिएक्शन होएगी तो एस्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, वाटर का भी 0.001 मोल लगेगा अगर एस्टर का 0.001 मोल लगेगा। अगर मैं कहती हूँ भी एस्टर आपका इतना सा है, इतना निकला, तो वाटर भी इतना ही निकलेगा जितना एस्टर है, फिर बाकी कितना वाटर रह जाएगा, 9.009 रह जाएगा। अगर इन दोनों के 0.001 मोल स्टूडेंट्स निकल जाते हैं तो वाटर कितना रह जाएगा, इतना, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 के इक्वल ही है। यानी कि वाटर की वैल्यू क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, क्योंकि ये एक्सेस में प्रेजेंट है, जिसके कारण मैं रेट इक्वेशन को क्या लिखती हूँ, रेट कॉन्स्टेंट इंटू वाटर की कंसेंट्रेशन, इनको एक ही उसमें लिख दो और एस्टर लिख दो। अब ये क्या है, रेट कांस्टेंट भी कांस्टेंट है और वाटर की कंसेंट्रेशन भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एस्टर की कंसेंट्रेशन और एस्टर की पावर क्या है, 1। तो अब मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। यानी कि मुझे लग तो ऑर्डर 2 रहा था पर एक्चुअल में कितना है, 1 है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। अब आप समझ पा रहे हो, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है भी जो आपको लग रहा हो भी एक्चुअल में ऑर्डर कुछ और है, मतलब आपको लग तो 2 रहा है पर एक्चुअल में कितना है, 1 है। यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो वाटर है वो बहुत ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है, जिसके कारण उसकी वैल्यू अगर हम कम भी कर दें तो भी वो कांस्टेंट रह जाएगी। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, वो होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। तो केन शुगर का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कितना होता है, C12H22O11। इसकी जब हाइड्रोलिसिस करवाई, फिर से एसिडिक हमने कैटलिस्ट लिया यानी कि एच पॉजिटिव के अंदर करवाई, तो यहां से मेरे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है जिनका फॉर्मूला तो सेम है C6H12O6।
प्लस फ्रक्टोज क्या है, सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या सेम है, फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज प्रोड्यूस होंगे। सेम इसके अंदर भी क्या होगा, हम फिर से हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो मैं बोलती हूँ ये 0.001 प्रेजेंट है और ये 10 मोल्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी वाटर की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो पहले रेट इक्वेशन जो लिखी गई वो ये लिखी गई भी केन शुगर, इसका फॉर्मूला ही सीधा लिख देती हूँ, C12H22O11 की पावर 1 और वाटर की पावर 1। पहले मुझे ये लग रहा था, लेकिन मेरे को जब ये पता चला भी हाँ जी हाइड्रोलिसिस हो रही है और उसमें हाइड्रोलिसिस के दौरान वाटर की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा होती है, तो मेरा क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू, किस पे वो डिपेंड करेगा, C12H22O11, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो हमारा यहाँ से अब ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सूडो ऑर्डर रिएक्शन, जहां पर मुझे लग तो 2 रहा था पर एक्चुअल में कितना ऑर्डर निकल के आया, 1 निकल के आया। सो स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा वीडियो लेक्चर जो है ये फिनिश होता है, इसकी कोई डीपीपी नहीं है क्योंकि थ्योरेटिकल सा पोर्शन था। यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है केमिकल काइनेटिक्स का। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करना है, कमेंट करना है अपने सेक्शन में। और अब हम मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हैव अ गुड डे।